मेरठ में शुक्रवार रात क्लिनिक में डॉक्टर को मारने आए चार हमलावरों की गोली से एक युवक घायल हो गया। पीड़ित की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं दो हमलावरों को पब्लिक ने मौके पर पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों को पब्लिक से बचाया। लोगों ने जूतों चप्पलों से आरोपियों को गिरा गिरा कर पीटा, उनके कपड़े भी फाड़ दिए। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के मदरसे वाली गली जाकिर कॉलोनी में लखीपुरा निवासी अयूब अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर MD अहमद के यहाँ दिखाने आए थे। ये तभी चार युवक शोएब, इमरान, इसरार, आकिब क्लिनिक में घुस गए। इन लोगों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग डॉक्टर पर कर रहे थे, लेकिन गलती से अयूब को लग गई। गोली अयूब के पेट में लगी है। गोली लगते ही अयूब जमीन पर गिर गया। आसपास के दुकानदारों ने भी जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी तो भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने फौरन शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी। दो मिनट में पूरा बाजार बंद हो गया। हमलावर मौके से भागने लगे कि तभी पब्लिक ने दौड़कर आरोपियों को पकड़ा। इसमें दो आरोपी इमरान और आकिब को पब्लिक ने पकड़कर जमकर पीटा। अन्य दो आरोपी भाग गए। थाना पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही है। घायल अयूब को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। कल रात में पुलिस को सूचना मिली कि डॉक्टर के क्लिनिक पे कुछ व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जो घायल था उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसके पेट में गोली लगी थी, अभी कंडीशन उसकी स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस ने भीड़ की व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसमें जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोपहर में डॉक्टर क्लिनिक पे तीन चार लोग आए थे, जिसमें वहाँ पे क्लिनिक में मौजूद व्यक्तियों से इनकी बहस होनी हो गई थी। इसी बात को लेकर ये लोग रात में आए। रात में आने के बाद डॉक्टर क्लिनिक पे इन्होंने फायर किया। फायर में एक अयूब नाम के व्यक्ति हैं, जिनका जो अपने पिता को दिखाने आए थे, उनके पेट में गोली लगी है। और इसमें पुलिस ने जैसे बताया कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लोगों के आरोपी तलाश जारी है। जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा।